नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजीज दोस्त रुक्रम शर्मा यहाँ बसता हिंदुस्तान में लेके आया है आज फिर एक नई कहानी, नया किरदार, किरदार भी ऐसा जिसने सफर भी किया है बहुत सारे देशों का, जहाँ हर बार देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्हीं लोगों से देश का नाम रोशन होता है और इन्हीं लोगों से ये भारत देश बसता है। जी हाँ, आज की कहानी का किरदार भी कुछ अलग है, जिसकी जो संगीत की थाप है, जिसके पांव के जो घुंघरू हैं वो जब बजना शुरू होते हैं तो सात समुंदर पार भी जो लहरें होती है वो हिलोरे खाने लगती है। और यही खासियत है उनकी, क्योंकि जब बात करते हैं कथक की तो कथक जयपुर घराना देश ही नहीं दुनिया भर के अंदर जाना जाता है, एक से बढ़कर एक। गुरु गिरधारी महाराज की बात करें तो उनकी बात ही कुछ और है। उसके बाद में जितने भी आए हैं, प्रेरणा श्रीमाली को देख लें आप, गिरधर को देख लें आप, कुंदन लाल जी को देख लें आप, कितने महान महान गुरु इस कथक की दुनिया को जयपुर घराने दिया है। और ये जयपुर घराना ही है जिसने बहुत सारे कथक के नए नए रूप, नए नए प्रयोग, नई नई रचनात्मक शैलियों का इजाद भी किया है। और उन्हीं में से एक कहानी निकल के आती है मनीषा की। जी हाँ, मनीषा की वो कहानी है जिसने कथक को एक नया आयाम देने की कोशिश की। जयपुर का घराना और जयपुर के घराने से जुड़कर मनीषा ने न केवल देश बल्कि 18 से ज़्यादा देशों की यात्रा की, और इन 18 से देशों में इन्होंने अपने हुनर का, जयपुर घराने का नाम रोशन किया। आज आपकी और मेरी मुलाकात होगी उनसे, उन्हीं के साथ जानेंगे कथक के बहुत सारे बारीकियाँ और उनकी सफलता की कहानी, और उसके साथ साथ उनके स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि वो किस तरीके से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। खुद मनीषा इतनी सारी फेलोशिप की, बहुत सारी कहें तो हकदार नहीं बल्कि उसको बहुत जगह चयनित हुई है, और चयनित होने के साथ ही जिस उम्मीद के साथ उनका चयन किया गया था उन पर वो खरी भी उतरी हैं। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं, चलते हैं मनीषा के पास में और फिर पूछते हैं कहानी कथक की। मनीषा जी, यहाँ बसता हिंदुस्तान पत्रिका टीवी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि जयपुर घराना कथक की जब बात करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है, और आप तो एक बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस घराने से आप जुड़े जी। तो ये घराने से जुड़ना और आपका कथक से जुड़ना, ये सारी कहानी क्या थी? देखिए, जयपुर घराने की अगर बात करें तो मेरी पैदाइश जयपुर की है, तो जयपुर घराना तो मेरी झोली में अपने आप ही आ गया, तो वो इस तरह से जयपुर घराना हो गया। घराने की बात बहुत बाद में समझ में आई, क्योंकि पहले तो मेरे लिए कथक था, और जब बहुत छोटी थी तो जैसा कि सारे बच्चे बचपन में कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो मेरे पिताजी को लगा कि शायद मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, और उन्होंने, ये उन्हीं की सोच थी कि वो, उन्होंने सोचा कि मुझे एक फॉर्मल ट्रेनिंग डांस में दिलाई जाए, तो उन्होंने क्लासिकल डांस को चुना। और जैसा कि हमारे उत्तर भारत में कथक है और जयपुर में है, तो उन्होंने जयपुर कथक केंद्र में मेरा दाखिला करवाया और वहाँ मेरी कथक की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हुई। तो जब 7 साल की उम्र थी आपकी, और कथक जब करते हैं तो घुंघरू की बहुत सारे वजन पाँव में हो जाता है जी, और वो 7 साल की उम्र, वो घुंघरू का वजन, वो दोनों कैसे मिक्सअप और मैचअप हुए? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए जब छोटे होते हैं तो इतने घुंघरू हम नहीं बांधते, वो धीरे धीरे ऐसे से ट्रेनिंग बढ़ती जाती है, आपके घुंघरू का वजन बढ़ता जाता है। लेकिन हाँ, ये इतना टेक्निकल डांस है कि आपको शुरू में कुछ समझ नहीं आता कि आप क्यों कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख के आप आकर्षित हों कि आपको ये करना है। और शुरू में ना तो कोई उसमें गाने हैं, ना कोई कॉम्पोजिशंस हैं, बस आप 1 2 3 4 1 2 3 4 सालों तक वही कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो इंस्पिरेशन कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
लेकिन धीरे 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 वो आपके अंदर ऐसे रमता चला जाता है कि आपको फिर उसके अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता. मतलब मुझे लगता है कि ये एक तरह का एडिक्शन है कि फिर छूटे नहीं छूटता है अगर आप उसमें बस जाएं और रम जाएं तो. कभी ऐसा नहीं लगा, देखिए जहाँ कथक की बात करते हैं तो उसको बहुत जिस बदलते दौर के अंदर बहुत कम श्रेय मिल पाता है और उसकी मुकाबले में वेस्टर्न म्यूजिक जो है उसके बहुत बड़े बड़े डांस शो टीवी पर आते हैं, कभी क्लासिकल डांस को लेके कभी शो ही नहीं बनता. हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये हम सब लोग इसकी बातचीत करते हैं कि क्लासिकल डांस जैसे बाकी सारे डांसेस को एक्सपोजर मिल रहा है और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो क्लासिकल डांस को लेकर भी इस तरह का काम होना चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है अब पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में नहीं भारत के बाहर भी, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन क्लासिकल डांस की साधना कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और अगर हम उनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म दे सकें किसी अच्छे मीडिया के ज़रिए, तो मुझे लगता है कि जो एक थोड़ी बहुत कमी रह गई है हर घर में क्लासिकल संगीत, या जैसा कि साउथ इंडिया में होता है कि आप कहीं भी चले जाएं तो हर घर में एक बच्चा आपको क्लासिकल म्यूज़िक, डांस या किसी आर्ट से जुड़ा हुआ दिखाई देता है. तो नॉर्थ इंडिया में जो ये कल्चर छूट गया था बहुत सालों पहले, वो वापस बहुत जल्दी लाया जा सकता है. चूँकि बहुत बड़ा नाम है गिरधारी महाराज, स्वयं एक बहुत बड़ी शख्सियत, कहें तो कथक का पूरक कोई है तो गिरधारी महाराज जी है. बिल्कुल. और उनके आप शिष्य रहे और उनके साथ कभी ऐसा रहा कि उनके साथ भी कुछ करने का मौका मिला स्टेज के ऊपर? गुरुजी के साथ स्टेज पर करने का मौका इतना तो मेरा सौभाग्य नहीं रहा. और मैं आपको कहूँ तो गुरुजी के का मैंने कभी परफॉर्मेंस देखा भी नहीं है स्टेज पे. क्योंकि जब हम छोटे, जब मैंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया था तब तक गुरुजी परफॉर्म करना उन्होंने बंद कर दिया था. तो मैंने उनका कभी भी परफॉर्मेंस स्टेज पर देखा नहीं है. लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसे क्षण हुए, क्योंकि जनरली गुरुजी जब सिखाते हैं तो वो हमेशा बैठ के सिखाते हैं. बट मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, करके दिखाई हैं, तो वो छवि मेरे मस्तिष्क में, पटल में हमेशा के लिए बसी हुई है. मनीषा, एक दृश्य और एक बात मुझे याद आ रही है, शायद आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता. एक बार एक गुरु के साथ आपने स्टेज परफॉर्म किया है? हाँ, वो अभी रिसेंटली ही हुआ है. पंडित चरण गिरधर चांद जी, जयपुर घराने के टॉर्च बेरर कह लीजिए, या क्योंकि पंडित नारायण प्रसाद जी के पुत्र हैं वो, और सबसे बड़ा नाम आज जयपुर घराने की दुनिया में उन्हीं का माना जाता है. सिंगापुर में रहते हैं, अभी रिसेंटली जयपुर आए थे और मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला. और उन्होंने मुझे कहा कि क्या हम एक डुएट परफॉर्म कर सकते हैं. तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि इतने बड़े गुरु के साथ मैं डुएट परफॉर्म कर रही हूँ, जिनका नाम हम बचपन से सुना करते थे. सो इट वॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट. इवन गुरुजी के साथ अभी कुछ समय पहले ही एक जयपुर में बहुत बड़ी शाम आयोजित हुई थी अल्बर्ट हॉल में, कि बहुत सारे गुरुओं को नृत्य कराया गया था. तो उसमें ये अगेन इट्स अ बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि उसमें गुरुजी का भी परफॉर्मेंस था और उसमें एक मेरा भी परफॉर्मेंस था. तो डायरेक्टली तो स्टेज शेयर नहीं किया, बट हाँ इनडायरेक्टली उनके साथ ज़रूर जुड़ी हूँ. मनीषा देखो, मैं एक बहुत बड़ी बात होती है कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खासियत भी है कि हम यहाँ गुरु का बहुत बड़ा सम्मान रखते हैं जी. और बतौर शिष्य, एक गुरु शिष्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि वो गुरु के साथ में परफॉर्म करे किसी भी स्तर. और एक गुरु के लिए सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि उसका शिष्य उसके साथ कर रहा है. बिल्कुल. तो ये जो मिलन और ये जो सीख वाली बात है, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पहले जो ये चला करता था कि गुरु शिष्य साथ में किया करते थे, ये बहुत घरानेदार चीज़ें होती थी कि आप फैमिली में ही हैं तो आपके बेटे कर रहे हैं, फिर आपके पोते कर रहे हैं, और आप उसको खुद गर्व के साथ लेके आगे बढ़ते थे. लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो नॉन म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हैं और वो डांस कर रहे हैं. तो मुझे लगता है एक तो जब आप गुरु बन जाते हैं तो बहुत सारे, बहुत कम ये कॉम्बिनेशन होता है कि गुरु परफॉर्मर भी है, या तो वो गुरु होते हैं या परफॉर्मर होते हैं. बहुत कम लोग हैं जो गुरु हैं और परफॉर्मर दोनों हैं. तो जो जिनमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वहाँ तो आपको इजीली यू विल फाइंड. कहीं ऐसा नहीं लगता मनीषा आपको कि संस्कारों की कमी हो रही है और जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें संस्कार इतने कम हो चुके कि उसने गुरु का सम्मान करना भी बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है. जो गुरु शिष्य परंपरा है
और जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है यहाँ क्या होता है, हर साल में बच्चे के पास 10 टीचर बदल जाते हैं, तो उसकी गंभीरता तो वहीं ख़त्म हो गई। गुरु शिष्य परंपरा में वो एक ही गुरु होता है, जब वो 5 साल का गुरुकुल में अपने गुरु के पास शिष्य जाता है, और जब वो 15 साल या 25 साल का होता है तो वापस आता है, लेकिन वो उसी एक ही गुरु के साथ है, तो उसका रिलेशनशिप बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है। तो हमारी जो संस्कृति रही है वो उस गुरु शिष्य परंपरा की रही है, ना कि इस एजुकेशन सिस्टम की जो हमें विरासत में पिछले 100 साल और 150 साल से मिला है, तो इट्स वेरी डिफरेंट। निश्चित रूप से इनका कहना साफ है कि ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश शासन ने जो भारत के अंदर शिक्षा थोपी है, उस शिक्षा के जिस तरीके नुकसान सामने आ रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप अपने घर के अंदर भी अपने बच्चे के साथ में देख रहे हैं। बहुत बार आपको दुख भी होता होगा, कहीं ऐसा आपको महसूस भी होता होगा कि आप में क्या कमी है, या आपको ऐसा लगता होगा कि बच्चे में क्या कमी रह गई, या आपको ऐसा लगता होगा कि स्कूल या कॉलेज के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ कम हो गई कि टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशन के अंदर इतनी बात आ गई। निश्चित रूप से उस समय आप सोचते होंगे, तब महसूस भी होता होगा और आपके मन में विचार भी आता होगा कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल वाली, वो वास्तव में बहुत अच्छी थी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब बात करते हैं मनीषा जी से कि विदेशों के अंदर जब इन्होंने परफॉर्म किया तो उस समय किस तरीके की फीलिंग्स होती थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे और भी आर्टिस्ट दूसरे देशों के भी होते थे, कंपटीशन का दौर चलता था, उसके बीच में से जब जीत की बारी आती थी, जूरी जब रिजल्ट निकालती थी तो उसमें पता चलता था कि मनीषा गुलियानी को भारत की ओर से फर्स्ट प्राइज मिला। वो दृश्य, वो माहौल जब सारा हिंदुस्तान की निगाहें आप पर होती थी और आप वहाँ परफॉर्म करते थे और कर रहे हैं अभी भी, उस समय कैसा फील होता था जब दूसरे देश के परफॉर्मर भी होते थे और हिंदुस्तान का झंडा लिए मनीषा भी होती थी? बिल्कुल, ये बहुत गर्व और जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत जो है वो पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और कला के लिए ही जाना जाता है, और हम लोग जब कला को संजोने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें एक धरोहर के रूप में बाहर देखा जाता है, हम लोग एक जीवंत धरोहर हैं भारत के, तो जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी कला के साथ पूरा न्याय करना और फिर उन लोगों के साथ उससे जुड़ना या कनेक्ट करना जो इसको से बिल्कुल अनजान है, मगर जब वो उसको सुनते हैं या जुड़ते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। हम लोग एक सूफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे थे, सोलफुल सूफ़ी, जिसमें कथक मैं कर रही थी सूफ़ी कॉम्पोजिशंस पर, और स्विट्ज़रलैंड में हम ये कर रहे थे। मुझे ध्यान है जिस ऑडिटोरियम में हम थे वहाँ पर हमने सारी बुले शाह हैं और इन सब की, मौलाना जी हैं, इन सब की हम लोगों ने वो करी थी कॉम्पोजिशंस, और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो वहाँ ऑडियंस में सारे स्विस लोग थे और एक भी नहीं था जो उस भाषा को समझता हो। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 10 मिनट तक ऑडियंस चुपचाप शांति से वहाँ बैठी रही, नो क्लैप्स, नथिंग, इट वॉज लाइक डिवाइन सक्सेस कि वो शांति से 10 मिनट बैठे हुए हैं, उठे ही नहीं। और जब 10 मिनट के बाद वो लोग उठे, डिस्पर्स हुए और उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि वो देवर इन टीयर्स, उन्होंने कहा कि शायद हम भाषा नहीं समझ पा रहे थे लेकिन हम सब कुछ महसूस कर पा रहे थे जो आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद ये हमारी, यही सक्सेस है और यही हमारा क्लासिकल आर्ट है जो हज़ारों सालों से है और आज तक है और हमेशा रहेगा। निश्चित रूप से मनीषा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति, हिंदुस्तान का जो सभ्यता है, हिंदुस्तान का जो संगीत है, हिंदुस्तान का जो नृत्य है, एक ही नहीं बहुत सारी तरीके की विधाएं हैं इसके अंदर, और जब ये परफॉर्म होता है, जिसको ये सब मिलके करते हैं विभिन्न विभिन्न रूपों के अंदर, नए नए प्रयोगों के साथ में, तो निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध सारा पूरा सभागार हो जाता है, वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और उन एक तरीके से तारतम्य इस तरीके से जुड़ जाता है कि उनको लगता है, क्योंकि संगीत और नृत्य हमारी जो साधना है वो साधना बहुत ही देवीय साधना है, और जब ये होता है तो ईश्वर की इबादत की जाती है, और वहाँ जो संबंध बनता है दर्शक का और प्रस्तुतकर्ता का वो इसी तरीके से होता है कि वो ईश्वर से स्वतः ही जाके जुड़ जाता है। यही स्विट्ज़रलैंड का जो इन्होंने उदाहरण दिया उसी की एक वानगी है। ऐसे बहुत सारे किस्से मनीषा जी के साथ में ज़िंदगी में आए होंगे, और मनीषा जी जब पहली बार आप विदेश के अंदर परफॉर्म करने जा रहे थे, जी जी, वो दृश्य, क्योंकि बहुत सारे जब कलाकार होते हैं पहली बार विदेश में जाते हैं तो उनके साथ में भी एक बहुत सारी भार
बहुत सारी जिम्मेदारी देश की, बहुत सारी देश की निगाहें, और उन सबके बीच में बेस्ट परफॉर्म करना, तब कैसा लगता है? बिल्कुल, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है. एक रेजिडेंसी अवार्ड होता है, उमाई इंटरनेशनल डांस रेजिडेंसी अवार्ड, USA देता है. वो पूरे देश से, पूरी दुनिया से 10 बेस्ट डांसर्स को चूज़ करता है और उनको ये अवार्ड दिया जाता है. तो मुझे इंडिया से कथक में ये अवार्ड मिला था. तो जब हम वहाँ अमेरिका में थे, तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप वो जो 10 डांसर्स पूरी दुनिया से आए हैं, वो साथ में 3 हफ्ते एक साथ रहते हैं, और उस 3 हफ्तों में आपको एक दूसरे की विधा सिखानी है, और फिर बाद में आपको परफॉर्म करना है वो. तो जब हम उस 3 हफ्तों में हम साथ रहे, और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हम सिर्फ डांस करते थे और कुछ नहीं करते थे, तो आखिरी में जब परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन देने का समय आया, तो सबने कहा कि भाई ये तो कमाल हो गया कि मनीषा ने तो सब कर लिया, टैंगो, जैज, कंटेम्प्रेरी, बॉल रूम और भुतो, उनके जो डांस फॉर्म्स थे, अदर डांस फॉर्म्स, बट हम कथक नहीं कर पाए. सो दैट वॉज, और मुझे वहाँ गर्व महसूस हुआ कि ये कोई बात हुई कि 3 हफ्तों में आप कथक का प्रेजेंटेशन, और हालांकि वो सारे जो डांसर्स थे वो अपने आप में दिग्गज डांसर्स थे, बेस्ट डांसर्स अपने फील्ड के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मनीषा ये सब तो ठीक है, बट हम कथक का प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, तुम अपना सोलो ही करो, वो हमारा हम नहीं कर पाएंगे. तो वहाँ मुझे समझ में आया कि जो कहते हैं एक वज़न डांसर्स का, और वहाँ मुझे महसूस हुआ कि हमारी जो संस्कृति है वो सही में सब पर भारी पड़ती है. इसीलिए तो कहा जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. हिंदुस्तान का लोग आज सबसे ज्यादा देखें तो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के लोग जहाँ जाओ वहाँ सब जगह मिल जाते हैं. बिल्कुल. और वो हिंदुस्तान के लोग जो हैं, वो अब जब संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में इस तरीके से डूब के बात करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा भारत इतना महान है. एब्सोल्युटली, मतलब जब भी हम कभी त्यौहार के दौरान बाहर जाते हैं, बहुत समय ऐसा हुआ जैसे मैं दिवाली पर बाहर हूँ या नवरात्रों पर बाहर हूँ, बट वहाँ जिस तरह से भारतीय कम्युनिटी है और जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, लगता ही नहीं है कि हम दूसरे देश में है, लगता है कि एक भारत सब जगह बसता है. तो लिटिल मास्टर, आप ये बताओ कि यार मम्मा जब परफॉर्म करती है, मम्मा के प्रोग्राम्स आते हैं, जो शो देखते हैं, और फिर जब आप स्कूल में जाते हो, तो आपके बच्चे और आपके टीचर्स भी आपको कहते होंगे यार तुम्हारे मम्मा का तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तब कैसा लगता है? अच्छा. क्या महसूस, क्या फील करते हो उसमें यार? कि उनको कैसे पता चला कि आपने परफॉर्मेंस है, और देखा तो अच्छा लगा. मतलब यू फील प्राउड ना योर मम पर? मम्मा डांटती है ना आपको बहुत कभी कभी? तो बहुत कभी कभी प्यार करती है. हाँ. अच्छा, और क्या करते मम्मा के साथ आप? मैं बाहर बैडमिंटन खेलता हूँ, मम्मा होमवर्क कराती है मेरे को, और पापा मेरे को जब मैं ड्रम्स बजाता हूँ तब भी हेल्प करती है. तो म्यूजिक आपको पसंद है? म्यूजिक में क्या चीज़ पसंद है आपको? मेरे को ड्रम्स और वोकल पसंद है. अच्छा, तो कुछ चीज़ आप वोकल की बता दो सुना के यार एक बार. श्याबला चका चल कूट धर आवत, श्याबला चका चल कूट धर भोर, ऐसी बाजी सबके मन को हरे आवत, श्याबला चका चल कूट धर आ जगत झुक चाली, जगत जगत जुब झुक चाली, मदबत वाली नैना
सूरत लावे हे नैना सूरत लावे। बहुत खूब यार, बहुत अच्छा। देखिए कहते हैं ना कि संस्कार शुरुआत से ही आ जाते हैं, और ये भी संगीत की दुनिया की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। ड्रम भी बहुत अच्छा बजाते हैं और जब गाते हैं तो भी उतना ही मधुर ये गाते हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चे हैं तो जुखाम इनको परेशान करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो एक लगन है, जुनून है, वो बना है। इसीलिए कहते हैं ना कि सीखने की शुरुआत जब अच्छी तरीके से घर एक वो एक तरीके शाला है जिसके अंदर सब वहीं से सीखना शुरू करते हैं, और माँ जब ऐसी हो तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य आप सोच सकते हैं किस स्थिति में जाएगा। आइए बात करते हैं, बातों का सिलसिला भी बहुत सारा चलेगा। इनको यूं ही घर का सपोर्ट इनका मिलता रहा, इनका हस्बैंड का सपोर्ट इनको मिलता रहा, और ये आगे बढ़ती गई। और निश्चित रूप से यही सब होता है कि हमें जब घर के अंदर कोई किसी में कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो हमें उसको आगे निकालना चाहिए, उसकी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। ये जो आजकल का दौर चल रहा है इस बात का कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर पैदा होने से पहले बन के तैयार होके वो डॉक्टर इंजीनियर आए, या उसके परसेंटेज 100 में से 100 आए, उससे नीचे बात ही नहीं होती है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चों के अंदर जो चीज़ें आती है वो किसी भी रूप में हो सकती है। कोई बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, कोई बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, उसकी प्रतिभा को पहचानने का काम माँ बाप को करना चाहिए। और यदि वो कर लिया तो निश्चित रूप से जो देश के अंदर कमी जिस चीज़ की हो रही है वो कमी बंद हो जाए, और सब बच्चे अपने अपने क्षेत्र के अंदर बुलंदियों के शिखर पर पहुँच सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इनके किस तरीके से मनीषा जी दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं, क्या क्या करती हैं, उस पर एक निगाह डालते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मनीषा गुलियानी के ये सारे परफॉर्मेंस के वो एक छोटे से बहुत सारी स्मृति चिन्ह और पुरस्कार हैं जो देश दुनिया के अंदर इन्होंने हासिल किए। वुमेन्स आइकॉन अवार्ड की बात करें या सेव द चिल्ड्रंस की बात करें, इन्होंने ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसके अंदर अपना एक पुरस्कार लेकर अपना नाम रोशन नहीं किया। और देखिए किस तरीके से सारी की सारी जो इनकी ट्रॉफीज़ हैं वो पूरी तरीके से महक रही हैं, एक खुशबू देती हैं, एक मैसेज देती हैं, एक संदेशा भी है। मेरे साथ मनीषा जी की मदर इन लॉ भी हैं और मनीषा जी की सिस्टर इन लॉ भी हैं, दोनों साथ में हैं। और जिस तरीके से जो चीज़ें मनीषा जी ने बताया कि किस तरीके से इनका सहयोग मिला, तो मदर इन लॉ से पूछते हैं, क्योंकि जो दौर चल रहा है कि एक मदर इन लॉ और उनकी बहू है उसको लेकर आपने हमेशा कॉपरेट किया, एक माँ से ज़्यादा भूमिका आपने अदा करी, आपको कैसा लगता है कि जब आपकी बहू इतना बड़ा काम कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और हम बाकायदा देखने भी जाते हैं इनका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या चीज़ महसूस होती है आपको? वो बिल्कुल जब उसमें खो जाती हैं तो वो जो सीन होता है वो बयान नहीं कर सकती मैं, उसमें पूरा खो के फिर वो डांस करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई एक ऐसा मैसेज एक मदर इन लॉ होने के नाते जो उनकी बहुएं हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि उनको किस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए अपनी बहू के साथ? मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी इस काबिल होती हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम वो घर गृहस्थी में ही उलझी रहें, उनको उनके साथ पूरा सहयोग करना चाहिए ताकि वो अपना काम भी कर सकें। पूनम आप कैसा महसूस करते हैं जब भाभी इतना अच्छा परफॉर्म करती है और मम्मा इतना अच्छा उन्हें कोऑपरेट करती है और आप मोटिवेट करते हैं उनको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो अलग सा एक ऑरा होता है, एक अलग सा बन जाता है कि बहुत पीसफुल, बहुत सूदिंग परफॉर्मेंस तो हमेशा ही करती हैं। दिल्ली में भी आती हैं तो कई बार हम लोग टीवी पे ही ज़्यादा देख पाते हैं क्योंकि दिल्ली से घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है और एब्रॉड जाना तो इतना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स बाद में हमें मिलती हैं, भैया भेजते हैं या भाभी भेजती हैं, वो अपने साथ साथ मैं अपने जुड़े हुए लोगों सबको दिखाती हूँ तो वो सब इतने खुश होते हैं, अच्छा तुम इतने टैलेंटेड फैमिली से आई हो, तो लगता है कि हाँ चलो हमने भी कुछ किया है। पूनम कई बार देखो मैं आपके बहुत सारे किस्से मुझे पता हैं आपके और आपकी भाभी के, मेरे को कि आप दोस्तों की जैसे बहुत सारा समय बिताती हैं,
तो आपका क्या मैसेज है कि एक जो सिस्टर इन लॉ होती है उसको किस तरह बिहेव करना चाहिए अपनी भाभी के साथ और भाभी को कैसा करना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने तो कभी भाभी समझा ही नहीं, तो मैं भाभी तो बोल ही नहीं सकती ना कि भाभी जैसा, क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरी बहन जैसी है। जब घर में आ गई तो मम्मी की जैसे बेटी तो मेरी भी बहन, तो भाभी कभी समझा ही नहीं, तो अपने जैसा ही समझ के। कल भी हमने रात को 4 बजे तक बात करी, शायद बहुत साल बाद, क्योंकि यहाँ आना 1 साल बाद होता है, तो 4 बजे तक, तो वो पता नहीं चला वो टाइम कैसे बीता, तो वो रात की सुबह कब हुई कुछ पता नहीं चला। बच्चों के साथ में जिस तरीके से बच्चे अभ्यास करते हैं नियमित रूप से कथक का, और इनकी गुरु जब इनके साथ में होती है, तो फिर उसके बाद जो एक रिदम बनता है वो देखने लायक बनता है, और तभी तो बच्चे आगे निकलते हैं। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसने नेशनल स्कॉलरशिप इंडिया गवर्नमेंट का भी हासिल किया है। इनसे पूछते हैं कि ये स्कॉलरशिप और ये सारा तैयारी कैसे हुई बेटा? ये मैं कथक 5 साल से सीख रही हूँ। गुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत करी है और हमने बहुत अच्छे से उसको सीखा है, और ये नेशनल स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल से मिली है, हमने बहुत मेहनत करी गुरुजी के साथ में, तभी ये मिल पाई है, वरना नहीं मिल पाती। यही बात है संगीत की साधना और नृत्य की साधना की, इसके अंदर हमेशा किसी भी मुकाम पर जब पहुंच जाएं तो अपने गुरु को नहीं भूला जाता, और ये गुरु ही एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ इनके लिए है। तभी तो कहते हैं कि ये अपने आप को पूरी तरीके से गुरु को समर्पित कर चुके, और इसके बाद बुलंदियों का रास्ता इनके लिए खुलता रहा। आपका अपना अजीज दोस्त रुक्रम शर्मा यहाँ बसता है हिंदुस्तान में हर बार किरदार लेके आता है, कुछ अलग, कुछ अलग कहानियाँ लेकर जो आपके रूह को छूती है, आपके करीब होती है, जहाँ हिंदुस्तान की बात होती है, जहाँ संस्कृति को मजबूती करने की बात मिलती है। आज हमने बात करी मनीषा जी से, और मनीषा जी के साथ में उनके स्टूडेंट से, उनके घर में भी, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में भी, उनके विदेश यात्राओं के बारे में भी जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया हिंदुस्तान को, और सब जगह रोशन किया इस देश का नाम, इस देश के तिरंगे का सम्मान इन्होंने बढ़ाया। कल हम उस दिन की इंतजार कर रहे हैं जब ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे चारों ओर खड़े हैं किसी न किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, और जब ये पहुंचेंगे उस समय आप दृश्य देखिएगा कि इन्होंने, मनीषा जी ने हिंदुस्तान बसाया, उसी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया इन छोटे छोटे बच्चों ने। आपका अपना अजीज दोस्त रुक्रम शर्मा यूं ही आपके साथ हर बार, हर सप्ताह यहां बसता है हिंदुस्तान में एक नई कहानी, नया किरदार लेकर आपके साथ पेश होता रहेगा, आपसे मुलाकात करता रहेगा, और आप और हम यूं ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।